हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइमन सेस। थंबनेल और टाइटल देख के आपको ऑर्गेज्म आ ही गया होगा। यस, फाइनली अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन ब्लॉगर्स खुश। इज दैट अ भिंडी इन योर पैंट और आर यू जस्ट एक्साइटेड टू सी मी? ब्लॉगिंग इज अ टफ जॉब। ओके, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना और रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बिफोर आई अडॉप्टेड दी शेड्स, मैं भी एक जमाने में ब्लॉगर हुआ करता था। हाँ, मैं दूसरे क्रिएटर्स को क्रिंज बुलाता हूँ, क्यों, क्या हुआ? लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में व्लॉगिंग काफी इवॉल्व हो चुका है, काफी मेनस्ट्रीम हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। व्लॉगिंग काफी मेजर इंडस्ट्री बन चुका है, बट देयर इज अ माइनर प्रॉब्लम इन इट। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट इंडियन व्लॉगर, सौरव जोशी व्लॉग्स। यू नो व्हाट, आई सी अ लॉट ऑफ माय सेल्फ इन सौरव जोशी। एज आई सेड, मैं भी एक व्लॉगर हुआ करता था, मैं भी एक जमाने में स्केचेस और पेंटिंग्स करता था, बट ऑब्वियसली सौरव जोशी मेरे से 100 गुना बेटर है। इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। और हाँ, मुझे और सौरव जोशी दोनों को मार्वल पसंद नहीं है। तो कैसी लगी? ठीक ठाक थी। मेरे को भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मूवी के अंदर, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी। इससे तो अपने ब्लॉग बढ़िया होता है यार। सॉरी एस्किस चंचलानी, वो क्या है ना, हमको बच्चों की मूवीज पसंद नहीं है। आई लव द फिल्म, इट वाज फनी एज हेल, वेरी सरप्राइज्ड जो उसके रिव्यूज आए थे। हैव टू वॉच इट, इट्स अ ग्रेट फिल्म, डोंट बिलीव द रिव्यूज, जस्ट गो फॉर इट। आई प्रिफर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स बिकॉज दे आर एज इनकंसिस्टेंट एज मी। ओके, बैक टू सिमिलैरिटीज, मुझे और सौरव जोशी दोनों को साइमन सेज पसंद है। साइमन सेज भी तो है, उसको देखा कर, वो कभी भी गाली नहीं देता वीडियो में और इतनी मस्त वीडियो बनाता है। क्या मां चोद रहा है सच्ची में? थैंक यू सौरव जोशी, आप भी बहुत मस्त वीडियोस बनाते हो। वीडियो अच्छे ही रहते हैं, बस थंबनेल्स का मुझे पता नहीं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम दोनों को पीयूष पसंद है। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, आई लव पीयूष, मुझे पीयूष पसंद है। इसमें कोई एज का इशू नहीं है, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद मी लाइकिंग पीयूष। आई वांट पीयूष, मुझे पीयूष रोज चाहिए। पीयूष को देखते ही मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। That's it, बहुत हो गया, it's Piyush time. आई लव पीयूष, इसलिए आज हम कोकम शरबत की जगह पे पीयूष पियेंगे। ये एक महाराष्ट्रन ड्रिंक है, मेरा बचपन से फेवरेट है। आपको क्या लगा मैं उस पीयूष की बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं पीडीएफ थोड़ी हूँ। यूट्यूब ऑडियंस में बाकी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे तो ये वाला पीयूष पसंद है। ये पीयूष मिल्क का बना है और ये पीयूष को मिल्क करके। So as I was saying, सौरव जोशी को भी पीयूष पसंद है, लेकिन उसको ये वाला पीयूष पसंद है और ये वाला पीयूष उसके हर थंबनेल में रहता है। पूरा दिन पूल में, फुल नाइट पूल पार्टी। बीमार पड़ जाओगे। इसको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, सौरव जोशी के थंबनेल्स देखना इज माई फेवरेट पास टाइम। रात को पोपट हो गया, इसका ना पोपट बहुत होता है। पीयूष का पोपट हो गया, डोनल्ड में पोपट हो गया, पकोड़े खाए और पोपट हो गया, इतनी महंगी कोल्ड कॉफी पोपट हो गया, हाईवे पे फंस गए पोपट ही पोपट, फॉर्च्यूनर चलाई और पोपट हो गया, जंगल में फंस गए पोपट ही पोपट, सब का पोपट हो गया। टाइटल में इसका पोपट हो रहा है, लेकिन इसके व्यूज देख के मेरा पोपट हो रहा है। रोड पे शर्ट उतार दी, रिवर में नहाऊंगा, कपड़े उतार दिए पानी देखते ही। लग तो ऐसे रहे कि कपड़े उतार दिए कैमरा देखते ही होना चाहिए। उसको गेमिंग पीसी देने के पहले थंबनेल में पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। ये क्या कर रहा है कार में? ये सौरव जोशी नहीं, सस जोशी है। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट इज द क्लिकबेट ओवर हियर। मतलब ही वॉन्ट्स हिज ऑडियंस टू थिंक, अरे इस वीडियो में इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। ये आदमी इस बच्चे का शर्ट क्यों निकाल रहा है? लगता है इस वीडियो पे मुझे क्लिक करना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीयूष अभी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, एंड एज यू ग्रो अप आपकी क्यूटनेस कम हो जाती है, राइट? द ग्रोथ ऑफ अ व्लॉगिंग चैनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बट डोंट वरी गाइस, सौरव जोशी इज वेरी पॉपुलर अमंग किड्स। बच्चों की कभी शॉर्टेज नहीं होगी, पीयूष नहीं तो कुनाली ही सही। भाई वो बच्चे ने मुझे जकड़ लिया था, लिटरली छोड़ ही रहा था मुझे वो। छोटे छोटे बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, काफी अच्छा लगता है। और हाँ, सौरव जोशी ने रिसेंटली संदीप महेश्वरी के साथ कोलैब किया। दोनों एक दूसरे का क्या मस्त चाट रहे थे, मजा आ गया देख के। उनकी एज बहुत कम है, लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है। वो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, इतने बड़े स्टेज पे मुझे बुलाने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए। इतने कम टाइम में ये जो आपने सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर एक रीजन की बात करनी हो? एक तो आप हो सर,
सौरव कहता है कि संदीप महेश्वरी उसके इंस्पिरेशन है। लगता है अपने से 10 गुना छोटे यूट्यूबर से ऑफेंड होना उसने संदीप सर से ही सीखा। सौरव ने नियॉन मैन के साथ बीफ किया और उसमें ये नियॉन मैन से रोस्ट हो गया। सो फर्स्टली सौरव जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा है दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। एंड अगर आपको मुझे कुछ रिप्लाई करना है तो मेक श्योर आप पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करें। सौरव भाई शर्म आनी चाहिए, नियॉन मैन को रोस्ट करना होता है, उससे रोस्ट होना नहीं होता भाई। तू उस चुल्लू भर पीयूष में डूब जा। सौरव जोशी और फ्लाइंग बीच जैसे व्लॉगर्स की सक्सेस को देखकर बाकी स्ट्रगलिंग व्लॉगर्स इंस्पायर होते हैं। बाकी व्लॉगर्स को लगता है कि बच्चों को दिखाकर व्यूज मिल रहे तो वो बच्चे पैदा करने लग जाते हैं। बच्चे शांति से पैदा भी नहीं हो सकते, आते आते ही उनका फेस रिवील हो रहा है। जरा ये सोचो कि अगर इन बच्चों को आगे जाके एक गेमर बनना होगा और एक गेमिंग चैनल खोलना होगा तो फिर वो अपने फेस रिवील को मिल्क कैसे करेंगे। तुम एक गेमर का फेस रिवील करने का अधिकार छीन रहे हो यार, उसका फ्यूचर के बारे में सोचो थोड़ा। ओके सो टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट प्रेगनेंसी व्लॉग्स। वो क्या प्रेगनेंसी में लैक्टेशन शुरू हो जाता है ना तो व्लॉगर्स तब से ही मिल्क करना शुरू कर देते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। इनके दो चैनल है और दोनों चैनल पर इन्होंने प्रेगनेंसी को मिल्क किया है। वी आर प्रेगनेंट 5 months, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। 6th month प्रेगनेंसी, 7th month प्रेगनेंसी में शिमला ट्रिप, बहुत डर लग रहा है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी डेट अनाउंसमेंट, बेबी के बर्थ के पहले न्यू ड्रीम होम में शिफ्टिंग, 8th month प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाली है, ओके ऑलमोस्ट देयर, 9th month प्रेगनेंसी, चलो फाइनली एनी टाइम नाउ, गुड न्यूज अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मेरे को सेम जोमेटो का नोटिफिकेशन आया 2 मिनट पहले, यस अब लेबर पेन कभी भी हो सकता है, ये तो नेक्स्ट लेवल एजिंग हो रही है। माय डिलीवरी व्लॉग 10 months प्रेगनेंसी। लगता है बच्चे को भी बाहर नहीं निकलना था, उसको पता है उसको आते आते सीधा काम पे लगना है तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। जेंडर रिवील, इसकी जेंडर रिवील करने की क्या जरूरत है, इसके प्रोनाउंस तो हमें ऑलरेडी पता है, कंटेंट। न्यू बॉर्न बेबी के साथ गृह प्रवेश, चलो एटलीस्ट गृह प्रवेश है, वरना कोई कोई ब्लॉगर्स गृह प्रवेश करते हैं। फ्लाइंग बीच पता नहीं कौन से ग्रह में प्रवेश करना चाहते हैं, मेट्रो में तो उनसे प्रवेश हुआ नहीं। इलोन मस्क मार्स में पहली कॉलोनी का ग्रह प्रवेश इनसे ही करवाने वाले। अब प्रेगनेंसी व्लॉग्स को एक्सप्लोर करते करते आई फाउंड सम अदर इंटरेस्टिंग चैनल्स, फॉर एग्जांपल सेवागृद्धि व्लॉग्स। इस कपल में ये लड़की 19 साल की है और ये अभी प्रेग्नेंट है, कॉलेज में मेजर चूज करने की उम्र में ये माइनर को जन्म दे रहे है। मैं भी 10वीं फेल हूं। तो हम दोनों 10वीं फेल है, मतलब इधर गाँव में, मतलब ये दोनों 10वीं फेल होने के बावजूद भी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है और इनके गुड न्यूज वाले वीडियो पे 1.6 मिलियन व्यूज। इनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझा लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम ठीक से समझ गए। ओके एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आर एस राजू सधु। ये एक बहुत क्यूट कपल है, क्यूट कपल हैशटैग, क्यूट कपल हैशटैग। इस क्यूट कपल में ये जो लड़की है ये 18 साल की है। तो मेरा एज अभी गाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा एज हो रहा है 21 साल हो रहा, रोशनी जी का एज हो रहा 18 साल हो रहा। बट डोंट वरी गाइस, ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है। द कीवर्ड इज अभी, ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है, इसका बच्चा ऑलरेडी 6 महीने पहले हो चुका है। एंड ऑब्वियसली इन्होंने भी बहुत सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स बनाए। नाउ लेट्स जस्ट इग्नोर द फैक्ट दैट एक 18 साल की लड़की का बच्चा 6 महीने पहले हो चुका है। लेट्स टेक अ लुक एट द थंबनेल्स। रोशनी सच में प्रेग्नेंट है क्या? मुझे क्या पता, तू हमको क्यों पूछ रहा है? क्या रोशनी सच में प्रेग्नेंट है क्या? नहीं भाई, वो प्रैंक कर रही है तेरे साथ, उसको गैस हुआ है। क्या हमारे बेबी हो गया? नहीं भाई, नोटिफिकेशन आएगा तुझे और बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, तो तुझे पता चल जाएगा, डोंट वरी। हमारा बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हो तो उसका जेंडर अज्यूम नहीं कर रहा इसलिए ऐसे पूछ रहा है क्या? ओके ओके गॉट इट, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव निकला यार। प्रेगनेंसी टाइम ब्लॉग हैशटैग क्यूट कपल, लेबर पेन हैशटैग क्यूट कपल, रोशनी बहुत ज्यादा रो रही है हैशटैग क्यूट कपल, मेरे गोटे जाम हो गए हैशटैग क्यूट कपल। ये सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स देखकर मुझे समझा कि जब औरत प्रेगनेंसी के वक्त पेन में होती है तो उसका बेस्ट इलाज होता है उसे व्लॉग करना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मतलब आज को रोशनी जी का पेट दर्द उठ गया है, तो आप लोग इसे लेबर पेन भी बोल सकते हो। तो रोशनी जी, ओके, आपको अभी दर्द दे रहा काफी ज्यादा क्या? तो गाइस एक बार करके दर्द बढ़ जा रहा है, एक बार कम हो रहा है, और आज को बाबू मूवमेंट भी काफी ज्यादा कर रहा है रोशनी जी का कहना है। और गाइस आप लोग को बता रहे, ऐसे टाइम पे अगर पेट दर्द ज्यादा हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा रोशनी जी को। लेके जाना तो रोशनी जी,
आपका पेट दर्द किस टाइप का दे रहा, लिवर पेन टाइप्स का? नहीं भाई, जुलाब हो रहा है उसको, ये इसका पति है कि जर्नलिस्ट है। और गाइस आप लोग अभी मतलब हर वीडियो पे बने रहिए क्योंकि अभी आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, तो प्लीज गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो पे और वीडियो पे जितना हो सके उतना व्यू दीजिए। लगता है इसको डॉक्टर ने बोला है कि जब तक 1 मिलियन व्यूज नहीं हो गए उसको एडमिट नहीं करेंगे। इसके मैंने कुछ और भी वीडियोस देखे, यस आई लव माय जॉब। मुझे तो इस क्यूट कपल के क्यूट बेबी के लिए बुरा लग रहा है। गाइस ये मेरा लड़का है और इसके लिए हम लोग एक वाइफ खोज रहे हैं, इसका तो इसका शादी हम लोग लगा रहे हैं, तो इसके लिए एक लड़की का जरूरत है। तो हमारा यूट्यूब फैमिली में ऐसा कोई है जो इससे मतलब प्यार कर सके? यूट्यूब फैमिली में शादी करवानी है? ओवरऑल इस चैनल पर और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। क्यूट कपल, रोशनी का तो हालत खराब होने लगा। पॉटी प्रैंक विद रोशनी #cutecouple। क्या रोशनी फिर से प्रेग्नेंट हो गई #cutecouple। रोशनी को ससुराल में खाना नहीं मिलता क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर रोशनी को गोली क्यों मार दिया राजू ने? अब इन वीडियोज में कौन सा रियल है और कौन सा प्रैंक है मेरे को पता नहीं और मुझे जानना भी नहीं है। सो द पॉइंट इज, प्रेगनेंसी और बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बनाना एक पॉपुलर बिजनेस मॉडल बन चुका है। ब्लॉगर्स बच्चों को मिल्क देते नहीं, उनको मिल्क करते हैं। क्यों ना करें? हो गया। बच्चे मिल्क हो रहे, प्रेगनेंसी मिल्क हो रही है, बच्चे का अल्ट्रासाउंड मिल्क हो रहा है, सुहागरात पे भी व्लॉग्स बन चुके हैं। ओके, सो द आइडिया इज कि हम बच्चे का ओरिजिन और कितना पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं। एक काम कर दो, अपने व्लॉग में अपना स्पर्म ही दिखा दो, वहां से ही तो बच्चा आता है। ये तो अच्छा आइडिया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सीमैन सेज। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि व्लॉगर्स अपने बच्चों को दिखाकर अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। नहीं, अब बच्चा तो है नहीं तो करना पड़ेगा, राइट? सो एवरीबॉडी प्लीज वेलकम माय न्यू वाइफ अदिति। हाय एवरीबॉडी, से हाय टू अदिति जी। एंड डोंट वरी गाइस, ये 18 साल की है, कल ही इसका बर्थडे था। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, आज मैं इसके साथ बच्चा करने वाला हूँ। Are you excited, Aditi ji? तो आज हम कंज्यूमेट करने वाले हैं और अदिति जी मेरा सीमेन कंज्यूम करने वाली है। इसी में मेरा क्षितिज छुपा है। सब लोग क्षितिज को हाय बोलो। हाय क्षितिज। हाय क्षितिज। व्लॉगिंग कम्युनिटी में बच्चों के साथ साथ कुत्ते भी बहुत पॉपुलर है। कुछ व्लॉगर्स तो कुत्तों के साथ रोमांस भी करते हैं, आपने देखा ही होगा। अब ऐसी हरकत करोगे तो माँ भाग ही जाएगा ना। ब्लॉगर्स के बीच बहुत टफ कंपटीशन है, स्पेशली गौरव नाम के ब्लॉगर्स के बीच, और जल्द ही लगता है इन गौरवों की रेस में अब सौरव भी दौड़ेंगे। अब इस गौरव के फ्लाइंग बीस्टियलिटी को देखकर दूसरा गौरव थोड़ी चुप बैठने वाला था। गौरव जोन। गोबर जोन ने भी अपने पर्सनल फ्लाइंग बीस्ट के साथ ये किया। Yes, honorable mention, गोबर जोन, उसके बिना कोई व्लॉगर्स पर वीडियो पूरा थोड़ी हो सकता है। अगर भाई मैंने अपने डॉलर को ये लाके माउथ टू माउथ ये दिया तो भाई मेरे चैनल पे 5 मिलियन हो जाने चाहिए, ठीक है डॉलर? ये देखो बिल बिल आ गया, ये देखो प्यार देखा है नहीं? इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तू अपने बेड पर अपने कुत्ते और अपने एडिटर के साथ नंगा क्यों बैठा है भाई? इनका अलग ही थ्रीसम चल रहा है, लगता है गोबर जोन डॉलर की गोभी खोदने वाला है। सामने बड़ा जो भी हमने खोदी उसकी गोभी, सामने बड़ा जो भी हमने खोदी उसकी गोभी। This is an actual frame from his video. मैंने कुछ edit crop कुछ नहीं किया इसमें। ऊपर तो टोपी पहनी है, I hope नीचे भी पहनी है। ये ऐसे हरकतों की वजह से नए नए वायरस आते हैं। कंटेंट को मिल करना कोई व्लॉगर से सीखे, चाहे वो कुत्ते हो, बच्चे हो या कुत्तों के बच्चे हो। अगर इसके और मेरे इंस्टाग्राम पे 1-1 लाख फॉलोअर बढ़ जाते हैं तो इसका एक बच्चा हम आप में से एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट करेंगे, क्या बोलते हो? डन है, डॉलर बॉल कर दे, गिफ्ट गिव अवे कर दे। ठीक है मम्मी, मिलते हैं डॉलर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूबर्स डॉलर में कमाते हैं या डॉलर से कमाता है?
तैमूर से लेके आलिया रणबीर के आने वाले बच्चे तक हमारी ऑडियंस बच्चों से हमेशा ऑब्सेस्ड रही है और ऑब्वियसली यही ट्रेंड हमें व्लॉगिंग में देखने मिलता है। इन माय ओपिनियन ये जो बच्चों के बचपन को ब्रॉडकास्ट करने का फॉर्मूला है ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को दिखाना बंद कर दो वरना व्लॉगर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। एज अ व्लॉगर यू नीड टू शेयर योर लाइफ, आई गेट दैट, दैट इज योर जॉब, बट आई ऑल्सो थिंक कि बच्चों को प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। दिखाओ बच्चों को लेकिन उनको ओवर एक्सपोज मत करो। अगर मेरे बचपन के वीडियोज ऐसे ऑनलाइन होते लाखों व्यूज के साथ तो मैं तो पागल हो जाता। मैं हो तो वैसे भी रहा हूं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। लाइक व्हेन माय older daughter now turned 1 or like 11 months, we stopped putting her in any videos in any social media, and I realized that like, whoa, there's an audience here, people are watching this, I don't want to put my kids out there in this capacity anymore, and I stopped putting them out there. People who rely so much on their children who aren't babies but are 4, 5, 6, 7, 8 years old, they rely on them for content. I was trying to rely on my wife who's my age, and I could feel the burden I was putting on her. I was 34 or whatever, 35 when I started really putting myself out there on YouTube. I had no idea what it meant. So brutal. So how can a child have any understanding of what it means? Chalo, that's it for this video. Good night. TCHDC is 2BC. And see you in the next video.